तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो यार, आप में से काफी सारे लोग ऐसे जरूर होंगे जो कि अपने YouTube वीडियोस को बनाने के लिए कॉपीराइटेड कंटेंट का सहारा तो जरूर ही लेते होंगे। अब चाहे आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ समझाना हो या उस टॉपिक से रिलेटेड अपनी ऑडियंस को कुछ बताना हो, उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, टॉपिक से रिलेटेड न्यूज देनी हो, या लोगों को उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एजुकेट करना हो कि आखिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसा क्या करें कि हमें जो है वो इसके लिए कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ ऐसे 4-5 तरीके बताने वाला हूं जिनका इस्तेमाल आप सभी लोग अपनी YouTube वीडियोस को बनाते समय कर सकते हैं। यदि आपको किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट इस्तेमाल करना ही है तो ये सावधानियां आप बरत सकते हैं, जिससे यहां पर कॉपीराइट आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम हो सकते हैं या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो क्लास से जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यदि आप कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट को इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको उस कंटेंट के बारे में थोड़ा सा पास्ट में जो भी लोगों ने उसे इस्तेमाल किया है उसका अनुभव भी जरूर ले लेना चाहिए। YouTube पर बहुत सारे ऐसे क्रिएटर आपको देखने को मिलेंगे यदि जिनका आप थोड़ा बहुत भी कंटेंट इस्तेमाल कर लेते हैं या उनसे रिलेटेड या उनके इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके यदि आप कोई YouTube वीडियो बनाते हैं तो ऐसे में वो इस पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रिएक्ट करते हैं और मोस्टली केसेस में वो यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे देते हैं। पहली चीज़ तो आप यही कोशिश कर सकते हैं कि आप उनका कंटेंट इस्तेमाल करने से ही अवॉइड करें। और मान लीजिए मजबूरी में यदि आपको उनका कंटेंट इस्तेमाल करना ही पड़ता है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आगे इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा। सेकंड चीज दोस्तों, यहां पर ये भी हो सकती है कि YouTube के प्लेटफॉर्म पर ऑलमोस्ट हर क्रिएटर एक जैसा भी नहीं होता है। YouTube पर बहुत सारे क्रिएटर ऐसे भी हैं जो कि इस मामले में काफी ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। यदि आपने उनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की होगी तो आपको इस बारे में पता ही होगा कि वो यहां पर लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह देते हैं या नहीं देते। और यदि आपको पता है कि वो इस टाइप के क्रिएटर या यूट्यूबर हैं तो यहां पर आसानी से आप उनका कंटेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर उनके यूट्यूब चैनल का लिंक वगैरह दे देना चाहिए। वीडियो में भी आप चाहें तो उनको आसानी से क्रेडिट वगैरह दे सकते हैं। इनसे रिलेटेड आपको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। तीसरा तरीका यहां पर दोस्तों ये हो सकता है कि जैसे मैंने पहले तरीके में आप सभी लोगों को बताया कि आपको पहले से ही पता कर लेना चाहिए। तो यदि कोई ऐसे क्रिएटर हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा डाउट है कि ये आपको कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दे सकते हैं, तो यदि इस तरह का कोई कंटेंट आप अपने यूट्यूब चैनल पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं, तो उस कंटेंट को इस्तेमाल करते समय सबसे पहली बात तो जो भी आप वीडियोस को इस्तेमाल कर रहे हैं कोशिश करें कि आप उन वीडियोस को कभी भी बड़े पार्ट में जो है वो इस्तेमाल ना करें। अगर वीडियो एक मिनट का है तो आप उसे 10-10, 15-15 सेकंड में वीडियो को क्रॉप कर करके जो है वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कोई इमेज वगैरह के फॉर्म में है तो आप उसे फुल स्क्रीन में ना यूज करें। वीडियो भी यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको भी कोशिश करें कि फुल स्क्रीन में आप वीडियो को भी ना दिखाएं। एक ये तरीका है जिससे आप बच सकते हैं। चौथा तरीका ये दोस्तों कि मान लीजिए यहाँ पर यदि आप कोई ऑडियो इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी वीडियो भी इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपको उस वीडियो के साथ साथ उसका ऑडियो भी आपको यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ सकता है। आप उस ऑडियो की पिच वगैरह को चेंज करके उसकी जो वॉइस है उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आप उनके कंटेंट को जो है वो अपने YouTube वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट की प्रॉब्लम पूरी तरह से तो खत्म नहीं होती बट काफी हद तक आप सेफर जोन में होते हैं। और पांचवा तरीका यही है दोस्तों कि यदि आप किसी भी व्यक्ति का कॉपीराइट कंटेंट इस्तेमाल करना चाहते हैं या करना चाह रहे हैं, आप हमेशा YouTube की जो फेयर यूज पॉलिसी है उसके तहत ही किसी का कंटेंट इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जिनका भी कंटेंट इस्तेमाल करें पॉजिटिव रीजन के लिए करें, किसी भी कंटेंट का कभी निगेटिव व्यू से उनके कंटेंट का कभी भी इस्तेमाल ना करें। और अगर आप किसी के अगेंस्ट में ही कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं और आप ऐसे में उनके कंटेंट का सहारा ले रहे हैं तब तो यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि तब आपके YouTube चैनल पर कॉपीराइट वगैरह आने के चांसेस जो है वो सबसे ज्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर आप YouTube के पूरे प्लेटफॉर्म पर किसी भी के भी कंटेंट का यदि आप पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं उस केस में यहाँ पर बहुत ही लोअर चांसेस होते हैं कि कभी आपको उसके लिए कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आए। सो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।